आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीट साइकिलिंग को किस तरीके से करना है और इसमें आपको इसको कैसे मैकिंग करना है ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से ले सकें। जब तक किसी चीज़ को एक संतुलित वे में नहीं लिया जाता है वो आपको बेनिफिट नहीं किया जाता है। जैसे कि फॉलिकल फेस है, फॉलिकल फेस में आपको जो है आपको कद्दू के बीज हो गए और चिया सीड्स हो गए वो आपको लेना है, जिसे हम फ्लैक्सीड भी बोलते हैं। देखिए इसको बराबर बराबर मात्रा में आपको ले लेना है और इसको आपको ड्राई रोस्ट करके इसको पीस लेना है। ये पूरा मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए इसको कैसे बनाना है। ये जो है आपके हार्मोन को असंतुलित और मूड स्विंग में मदद करता है, शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करता है, वो वेट लॉस में मदद करता है, बालों को भी मजबूत बनाता है और इसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रोटीन है और ये शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरी तरीके से दूर करता है। और स्पेशली फॉर द शाकाहारियों के लिए प्रोटीन से भरपूर फूड्स बहुत ही कम होते हैं। ऐसे में बीज शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करते साथ ही हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। अगर आपको काफ़ी सालों से PCOD, PCOS, एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमायोसिस की परेशानी है, इररेगुलर पीरियड की समस्या है या आप मेनोपॉज की स्थिति में पहुँच चुकी हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। या अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, एक्ने होता है या आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। लेकिन ये जो है ये मैं आज आपको प्रेगनेंसी के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको इसको प्रेगनेंसी में किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों को ले लिया है, यानी ल्यूटरल फेस में आपको जो इस्तेमाल करना है और फॉलिकल फेस में जो इस्तेमाल करना है। ये जो हम पहले जिसको रोस्ट कर रहे हैं ये फॉलिकल फेस में आपको करना है, यानी कद्दू के बीज और फ्लैक्सीड, इसको आप हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और बिल्कुल हल्का आपको रोस्ट करना है, बस इसकी एक स्मेल चली जाए इतना ही, और इसको आपको चलाते रहना है। साथ ही साथ जो सीड्स हैं इसके साइकिलिंग आपको 3 to 6 months करना है, आपको इसमें 110% रिजल्ट आएगा। जिन महिलाओं को ओवुलेशन नहीं होता है या अगर पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अंडे बनते ही नहीं हैं, अंडों का साइज़ अच्छा नहीं है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, या अगर आप IVF IUI भी करवा चुकी हैं और बार बार आपका IVF IUI फेल हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी आप सीड साइकिलिंग कर सकती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो सीड साइकिलिंग कैसे करें, हम ये सारी मेडिसिंस ले रहे हैं। आप कोई भी मेडिसिंस ले रहे हो, चाहे आयुर्वेद चाहे एलोपैथ, जो भी मेडिसिंस ले रहे हो आप उसके साथ भी सीड साइकिलिंग को कर सकते हो। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको ल्यूटरल फेस के लिए और फॉलिकल फेस के लिए चाहे तो एक साथ बना के रख सकती हैं या आप उस हिसाब से आप इसको बना सकती हैं। उसके बाद में आपको इसको क्या करना है, सुबह में डेली 1 चम्मच आपको लेना है, मॉर्निंग में खाली पेट लेना है और उसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप चाहे तो स्मूदी के साथ ले सकती हैं, जूस के साथ ले सकती हैं या आप खाना जो बना के खाती हैं आप उसके साथ भी इसको ले सकती हैं, लेकिन ये टेस्ट में ख़राब बिल्कुल नहीं होता है, तो ये आपको बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा खाने में, आप इसको वैसे ही खा सकती है। जब मुझे इसको लेना था तो मैं इसको डेली 1 चम्मच लेती थी और ये मैंने कंटिन्यू 4 months लिया था एंड ये मुझे काफ़ी रिलीफ किया था। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको कि इररेगुलर पीरियड की समस्या है या जिनको हैवी पीरियड होता है या पीरियड होता ही नहीं है, 3-3 महीने 4-4 महीने पीरियड नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी कारगर। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेडिसिन नहीं है कि आपको ये डर रहेगा कि ये हमको कोई साइड इफ़ेक्ट ना कर दे, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है और ये आपके स्किन को भी ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है, आपके हेयर को भी ये काफ़ी मजबूत करता है। तो इस तरीके से दोनों डब्बे में मैंने बना के रख लिया और जितना मैं स्पून में आपको दिखा रही हूँ बस इतना ही आपको खाली पेट लेना है। चाहे आप किसी भी एज की महिला हैं, आपका मेनोपॉज की स्थिति है तो भी आप इसको ले सकती है, जिससे कि आपका मेनोपॉज जो है वो काफ़ी हद तक जो है विदाउट दर्द रहित होगा, मतलब उस समय भी बहुत काफ़ी दर्द देता है तो आपको वो पेन नहीं होगा और आसानी से आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से ले सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जिसके लिए हमको अलग अलग सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, अलग अलग मेडिसिंस लेनी पड़ती है। तो आप कितनी मेडिसिंस लोगे, तो उसके लिए मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट लगता है जो कि हमारे शरीर में हर चीज़ की कमी को पूरी करता है, है ना। तो आप इसको इस तरीके से बारीक पीस लेंगे और बारीक मतलब दरदरा होना चाहिए, मुंह में लगना चाहिए। और अगर कुछ सीड्स अगर पूरी तरीके से नहीं पीसे
पाए हो तो उसको आप चबा चबा के भी खा सकती हैं और साथ में पानी ले सकती हैं। बस यही आपको सिंपल सा करना है जो कि मैंने किया है, मुझे इससे 110% रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारी महिलाओं को मैंने पहले भी बताया था कि इसको आप करिए, उन लोगों ने किया और उनको इससे रिजल्ट मिले। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको डब्बे में बना के रख लिया है और यह मैं देने वाली हूँ अपनी फ्रेंड को क्योंकि उसको बनाने नहीं आता है। मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी और उनको दे भी दूंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर बनाएगा और ये आप इसमें नेम प्लेट भी कर सकती हैं कि आपको ये कब से कब तक खाना है, अपने पीरियड के हिसाब से इस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।